उठते बैठते खड़े खड़े हर टाइम पैर में एक चुभन सी बन जाती है और बड़ी परेशानी होती है। और इस साइटिका पेन का दोस्तों एलोपैथी में भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बस डॉक्टर पेन किलर देते हैं और कैल्शियम की गोली देते हैं। दोस्तों भयंकर से भयंकर साइटिका का पेन भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कमर के इस हिस्से से शुरू होता है। शुरुआत में ये कमर दर्द ही होता है। जब कमर दर्द लंबे टाइम तक चलता रहता है तो वो धीरे धीरे पैर तक पहुंच जाता है और पूरे पैर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम साइटिका बोलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे दो नुस्खे बताऊंगी, अगर आप ईमानदारी से निभाते हैं कुछ दिन तो आपका ये साइटिका का पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ भी शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचन शाला में और किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है मेथी दाना। बहुत नॉर्मल चीज है, सबके घरों में पाई जाती है। ये अक्सर हम किचन में खाना बनाते हैं तब यूज करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने में करते हैं, लेकिन इसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। शुगर को ये कंट्रोल करने का काम करता है और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे सारे जोड़ों के दर्द को ये खत्म कर देता है। मेथी दाना हमारे मोटापे को कम करता है और ये कब्ज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि मेथी दाने में बहुत सारा फाइबर होता है जिसके कारण कब्ज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और जिसके कारण जो पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा आ जाता है, वो सब भी खत्म हो जाता है। हम लेंगे एक गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी है पीने का, और इसमें हम ये एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ी चम्मच नहीं है, छोटी चम्मच है। इसको पानी में इस तरह अच्छे से घोल देंगे और ढक के रख देंगे। ये काम आपने रात को सोते टाइम करना है और जब आप सुबह उठेंगे 10-12 घंटे बाद इसे देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आप डिफरेंस देख लीजिए। ये देखिए 10-12 घंटे बाद ये मेथी इस तरह फूल जाएगी और पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का हल्का येलो कलर का ये पानी है। और ये दूसरा पानी देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और मेथी भी ऐसे ही अभी डाली थी ये। तो अब आपने क्या करना है, इस पानी को छान लेना है जो हमने रात को भिगोया था, इसको छान लेना है। और ये जो पानी है इसको आपने सुबह उठते ही खाली पेट ही पीना है, इससे पहले आपने कोई पानी नहीं पीना, सबसे पहले ये ही पानी पीना है। और ये जो मेथी है इसको आप 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब आप फ्रेश हो जाएं तब इसे चबा चबा के खा लेना। और अगर आपके दांत खराब हैं, कमजोर दांत है, तो आप इसे थोड़ा कूट के भी खा सकते हैं। ये सॉफ्ट हो चुकी है, आराम से कटोरी में ही कूट सकते हैं और इसको भी आपने खा लेना है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा नुस्खा बताऊंगी। एक पतीले में हम 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये मैंने 5 पारिजात के पत्ते लिए हैं, हार श्रृंगार के पत्ते हैं, इनको मैंने धो लिया है। अब इनको हम कूट के चटनी बनाएंगे। आप इस तरह से काट के कूट लीजिए या फिर हाथ से तोड़ के कूट लीजिए, थोड़ा 2-3 चम्मच पानी डाल के और अच्छे से कूट के चटनी बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से। और अब इस चटनी को हम इस पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से पत्तों का सारा रस इस पानी में आ जाएगा। पानी को हम 4-5 मिनट अच्छे से उबालेंगे। ये 2 गिलास पानी 1 गिलास रह जाना चाहिए और तब तक पत्तों का सारा फ्लेवर भी इस पानी में आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने 4-5 मिनट उबाल लिया है और ये आधे से भी कम ही रह गया है। 4-5 मिनट बाद जब ये पानी आधा रह जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, तब हम इसे 1 गिलास में छान लेंगे और इसे हल्का हल्का गर्म ही पी लीजिए। ये पानी आपने सुबह शाम दोनों टाइम पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले, और उसके बाद आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। आधे घंटे बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। ये जो 2 नुस्खे बताए हैं दोस्तों, ये बहुत ही काम के हैं और घर में यूज किए हुए हैं,
बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे अगर ईमानदारी से इन्हें निभाओगे। अब मैं बताती हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जितना खाने पीने की चीजों से इंसान ठीक होता है उससे कहीं ज्यादा जो हम परहेज रखते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं उनका असर हमारी बॉडी पर होता है। दोस्तों इनके साथ आपने कुछ परहेज भी रखने हैं, जिनके भी जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन्हें खट्टी चीजों का परहेज रखना होता है, जैसे दही, लस्सी, आम, आम का अचार, नींबू, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। और जिन चीजों से हमारे शरीर में वात की मात्रा बढ़ती है वो चीजें भी नहीं खानी चाहिए, जैसे आलू, गोभी, भिंडी, अरवी, ये चीजें गैस बनाती हैं, वात की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाती हैं, तो ये चीजें हमने नहीं खानी चाहिए। परहेज रखना दोस्तों बहुत जरूरी होता है और इसके साथ ही हमने कुछ एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। इस साइटिका पेन में एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। आपने जो भी कमर की एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने बाबा रामदेव की देखी होंगी, मैं ऐसे कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपने बाबा रामदेव की ही देख के करनी है, लेकिन मैंने बहुत बार करी है, जब भी मेरी कमर में दर्द हो जाता है तो 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक कर देती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने कमर की एक्सरसाइज का जो पूरा सेट होता है वो जरूर करना है, जैसे भुजंगासन, मकरासन, मरकटासन, ये सारे आसन आपने जरूर करने हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको साइटिका पेन नहीं है, सिर्फ कमर में दर्द है, तो भी अगर आप 5-7 दिन ये करते हैं तो आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली करके देख रखा है, जो बाबा रामदेव की वीडियो देख के, नहीं तो आपको जिसकी भी योगा एक्सरसाइज पसंद हो आप उसी की देख के कर लेना, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना बहुत ही मेन रोल होता है साइटिका पेन में एक्सरसाइज का। अगर आप इन दोनों नुस्खों को और ये परहेज और एक्सरसाइज ईमानदारी से 15-20 दिन निभाते हैं तो आपका साइटिका का पेन काफी हद तक ठीक हो जाएगा, और अगर 1-2 महीना आप इसे निभा देते हैं तो ये साइटिका का पेन 100% आपका ठीक होगा ही होगा। ये घर में यूज की हुई रेमेडी है दोस्तों, 100% इफेक्टिव है, बिल्कुल ठीक कर देती है अगर आप ईमानदारी से ये सारी चीजें लेते हैं तो। और अब लास्ट में मैं आपको ये पारिजात का पौधा, हार श्रृंगार का पौधा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का पौधा होता है, इसी के मैंने पत्ते तोड़े थे, 5-6 पत्ते आप ले सकते हैं। आज की जानकारी इतनी ही थी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, इनका बहुत फायदा होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में जो बेल वाला बटन आइकन है उसे भी दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और यूजफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।